एमपीएल का इस टाइम सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम या सबसे फेवरेट गेम की अगर बात करें तो वो है क्रैश स्किल। इस पर टोटल प्लेयर काउंट करोगे तो ये 3.25 लाख के ऊपर निकल जाता है। इस टाइम लोग बहुत खेल रहे हैं और बहुत लोग हार भी रहे हैं। कोई बोल रहा हम 70,000 हार गए, कोई बोल रहा हम 1 लाख हार गए। लोग इतना खेल कैसे लेते हैं मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। और भाई साहब ऑलरेडी इतना दुख है, ऑलरेडी इंडिया वर्ल्ड कप हारी हुई है, दुख ऑलरेडी है, मुझे खेल के हार के और दुख नहीं चाहिए। तो अभी जब तक ये दुख नहीं जाता है तब तक तो मैं नहीं खेलने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग भी थोड़ा हिसाब से खेलो, थोड़ा कम खेलो, रिस्क मत लो। देखो तो रिस्क में चांसेस हैं कि आप जीत भी जाओ और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हार जाओ। अधिकतर चांस हारने के ही होते हैं, इतना आप जान लो। मतलब ये कि अगर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो कि पहले आप 10 रुपये से खेलो, अगर जीत जाते हो तो फिर 20 रुपये से खेलो और धीरे धीरे करके रकम बढ़ाते जाओ। मतलब एक मेरा कहना ये है कि आप 10 रुपये से शुरू करते हो गेम को और आप 500 रुपये तक पहुंच गए हो, ठीक है ना, 500 रुपये तक पहुंच गए हो और उस टाइम आप 2-2, 3-3 सौ रुपये की चाल फिर भी उस टाइम आप खेल रहे हो, तो ये क्या है, ये रिस्क है। यस ये रिस्क है, क्योंकि अगर 1x पे बूम हुआ, आप 200 चाल खेल रहे हो, 1x पे बूम हुआ तो 500 से आप सीधा जो है 300 पे आ जाओगे। आपने अभी तक 500 इतनी जल्दी कैसे कर लिया, क्योंकि आप रिस्क ले रहे थे, आप 200-200 रुपये की चाल खेल रहे थे, इसलिए आप जल्दी से 500 रुपये तक पहुँच गए, लेकिन हारने में उससे कई गुना कम समय लगेगा। यस और ये मैंने फील किया है खुद, ठीक है ना। आप 500-1000 तक जाओगे, उसके बाद सोचोगे अरे यार बड़ी बड़ी चाल खेलते हैं और बड़ी खेलते हैं, 400-500 खेलते हैं, एक चाल में बूम हुआ, ख़त्म किस्सा पूरा। मतलब जो आपने कमाया होगा 15-20 मिनट में वो आप 1 सेकंड में गंवा दोगे। तो इसलिए अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लो, मतलब कि इतना रिस्क लो कि अगर आप हारो तो आपकी पूरी रकम एक ही बार में चली ना जाए। या फिर मैं कहता हूँ जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपये है तो आप 10-20 रुपये से ही खेलो, ठीक ना, 2x तक जा सकते हो, 2x में सबसे बेस्ट है, ठीक ना, 2x तक जाओ, वेट करो 2x तक और उसके बाद पैसा निकाल लो और चाल को स्किप करके खेलो। जैसे मान लो कि लगातार अगर कुछ चाल अच्छी अच्छी जा रही हैं तो आप मत खेलो, क्योंकि अगर लगातार 3-4 चाल पिछली 3-4 चाल अच्छी गई हैं तो आगे वाली चाल हो सकता है वो 1x बूम चला जाए। और पिछला 20 का बूम देखो, पिछले 20 बूम में क्या कभी 1x बूम गया है कि नहीं गया? अगर 1x बूम 2-3 बार गया है, 1 बार गया है तो अच्छी बात है, अगर एक भी बार नहीं गया है ना तो इसका मतलब कि आगे आने वाली चाल में 1x पे बूम होगा ही होगा। देखो अगर आप बिगनर खेल रहे हो तो बिगनर का जो 1% पे बूम है वो 2% का है, यानी 1 पे बूम जो है वो कितना है, वो 2% का है। मतलब कि अगर 100 बार आप चाल आएगी आपके सामने तो उसमें 2% यानी 2 बार बूम हो जाएगा 1x पे, ठीक है। अब ये तो भाई एमपीएल ने ऐसा बोला है, अब एमपीएल से कितना लगाता है एक्चुअली में समझ रहे हो, वो तो भाई एमपीएल ही जाने, है ना, वो हम तो जान नहीं सकते, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि लगातार 1x लगातार गया है, तो ऐसे में एमपीएल का भरोसा भी नहीं कर सकते हो। वो लिखा 2x है, मतलब लिखा 2% है, पर हो सकता है कि वो 2% ना हो के वो जो है 10% हो, 10% ऐसा सिस्टम होता हो कि 1x पे बूम हो जाए, या फिर चलो 1x का बूम चलो ठीक है 2% है, ठीक है, पर 1.01 का परसेंट का कितना है, उसका कोई परसेंटेज दिया ही नहीं है। एक चीज़ इतना समझ लो कि रिस्क अगर आप ले रहे हो तो रिस्क में सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब अगर 10 लोग वही सेम रिस्क अगर ले रहे हैं वही सेम रिस्क, तो उसमें से 2-3 लोग ही हैं जो उससे पैसा कमा पाएंगे, अब बाकी लोग तो हारेंगे ही, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। ऐसा एमपीएल नहीं भाई, एमपीएल को पैसा कमाना है ना, अब एमपीएल खिलवा रहा है तो एमपीएल में से तो इसमें से कमीशन रखेगा कि नहीं रखेगा, कि यहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही है इससे फसल पैदा हो रही हो वहाँ से जो है कमाई हो रही हो, नहीं, आपका ही पैसा इधर उधर हो रहा है केवल, समझ रहे हो। अगर 10 लोग पैसा लगा रहे हैं तो वही दस लोगों का पैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है ना, वही 10 लोग पैसा ही आपस में बढ़ता है, देखो समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो एमपीएल भी उसमें से प्रॉफिट निकालेगा, अब अगर वो प्रॉफिट निकालेगा तो जाहिर सी बात है कि लॉस तो लोगों का होगा ही होगा, ये गारंटीड है। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे तो खेलना ही है, तो आप इसको बहुत टाइम तक जो है ना देखो, सीखो, ठीक है ना, कैसे कैसे वर्क कर रहा है, काफ़ी टाइम तक घंटों घंटों पर टाइम दो इसको, ठीक है ना।